दोस्तों हमारे किसी एक सबसे का कहना है कि मुझे फ़ोनपे ऐप के अंदर UPI ID डिलीट करना है, मुझे ऑप्शन नहीं मिला। तो कैसे मैं फ़ोनपे ऐप के अंदर अपनी UPI ID को डिलीट करता हूँ, क्या है तरीका, कहाँ मिलता है ऑप्शन? दोस्तों यदि आप फ़ोनपे के नए यूज़र अभी फ़ोनपे ऐप यूज करना सीख रहे हैं तो UPI ID डिलीट कैसे करते हैं, कहाँ मिलता है ऑप्शन, तो जानने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक डायरेक्टरी। तो सबसे पहले आप फ़ोनपे ऐप के अंदर लॉगिन हो जाए, जैसे कि मैं पहले से ऑलरेडी लॉगिन हूँ। एंड यहाँ पर प्रोफाइल आइकन दिखाई दे रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने बैंक आ जाएंगे, आपकी जितनी बैंक होंगी वो यहाँ पर शो होंगी। अब आप किस बैंक का UPI डिलीट करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। तो मैं कोटक महिंद्रा बैंक का UPI डिलीट करना चाहता हूँ, मैं इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे दिखाई देंगे UPI, आप जिसको डिलीट करना चाहें आप कर सकते हैं। आपकी जितनी भी UPI होंगी बैंक की वो यहाँ पर शो हो जाएंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस वाली UPI को डिलीट करना चाहता हूँ, मुझे मेरे कुछ किसी काम की नहीं है। तो बकेट पर क्लिक करना आपको, देखिए यहाँ पर UPI डिलीट हो गई है ना। तो इस तरह से हम UPI को डिलीट कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। बस हमें इसके अंदर जाना है और बैंक सेलेक्ट कर लेना है। UPI आपके सामने लिस्ट हो जाएगी जितनी आप UPI बनाई हैं, है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की और हेल्पफुल वीडियो हिमाचल में बने रही। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।